हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज मैं आपके सामने बिहार दरोगा का 10वां सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। सेट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, INA के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में उत्पादक प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ओणम त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फूल से लिया जाता है। भारत का सर्वप्रथम पोत कारखाना शिपयार्ड कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। डाकिये पिन कोड के बाई तरफ से प्रथम दो अंक क्या दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिला को दर्शाते हैं। भारत का कौन सा प्रांत इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। हवा की आर्द्रता मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। सरदार सरोवर बांध किस परियोजना से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा परियोजना। मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाले दांतों को क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृंतक दांत। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि एवं अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नॉर्मन ब्लॉक पुरस्कार। पेडागॉजी किसका विज्ञान है? तो इसका सही उत्तर है ये अध्यापन या शिक्षण का विज्ञान है। राइटर्स बिल्डिंग कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है। जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रचनात्मक कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्त्रियों एवं बच्चों का उत्थान, उपयुक्त सभी के लिए, ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोहन चिड़िया पक्षी पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में पाया जाता है। एक बाइट में होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 बिट्स। इनमें से कौन चतुर्थ स्तंभ के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, मतलब मीडिया को। भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष का प्रथम मास कब से शुरू होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 मार्च से। रिक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूचाल की तीव्रता या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छाल सहित पके हुए नारियल को अंकुरित होने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 से 3 महीने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। भारी पानी का आणविक भार क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 है। किस वास्तुकार ने नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुटियंस ने। अटकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका, चिली में स्थित है। दचीग्राम वन्य प्राणी अभयारण्य कहां पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में है। सिजोफ्रेनिया क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसिक रोग है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध राजकवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्यासुद्दीन बलबन के। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह निषेध से। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? इसका सही उत्तर है उत्पादन विधि से। ठीक है, और उत्पादन विधि से जो है कृषि की, वानिकी की, मत्स्य की, विनिर्माण की, खनन की और उत्खनन की गणना की जाती है।
क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पित्तल में कौन सी धातु है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तांबा प्लस जस्ता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल पर। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वो है जो बंधक और खाली जगह के बीच अंतर जानता है। इसका सही उत्तर है तरल परिसंपत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाजार भाग में कमी। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूएसए, अमेरिका से। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? इसका सही उत्तर है सी, बी आर अम्बेडकर ने। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द होली फैमिली, जो है महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वर्गीय श्री मूलक राज आनंद के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3। SEZ का पूरा रूप है? इसका सही उत्तर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिलिकॉन से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आइसोप्रोपीन का। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, क्रोनोमीटर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं, जिसके कि दो सिर होते हैं जिसमें से दो तार निकलते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत उच्च ताप मापी का हम लोग प्रयोग करते हैं। जिसको कि हम लोग पाइरोमीटर भी कहते हैं। स्लीपद का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूत्राग कृमि। स्लीपद मतलब हाथी पाव या फील पाव, फाइलेरिया। ठीक है, यह फाइलेरिया नामक कीड़े के काटने के कारण होता है, जो कि धागे की तरह का होता है। क्लोरोमाइसेटिन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परतु जीवाणु, मतलब एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक। क्वार्ट्ज एक रूप है? इसका सही उत्तर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको कि सिलिका भी कहते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर है C2H5OH। ग्रीष्म काल में मरीज का किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आवर्तित परिवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन, जो कि रेगिस्तान मरुस्थल में यह दिखाई देता है। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, और उसका जो है वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन बी। गांधीबिंद समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू और उपुल जयकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाभ। दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद क्रिप्स मिशन, तब कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, उसने त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। संस्थापकों की सूची में भक्ति संप्रदाय के साथ मिलान कीजिए। तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः गिरते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वैसे ही रहते हैं। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका सही उत्तर है फूलों की सजावट का, फलों की नहीं, फूलों की सजावट का। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद ने। लैम्प वाली महिला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार में, मधुबनी पेंटिंग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है नोल और रुस्का ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरबन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषुवतीय क्षेत्रों में। बिहार के किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1992 का, आप लोग 1922 पढ़िएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी। किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विसरण के कारण। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है ऑप्शन सी, विकिरण। टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। अध्यक्षात्मक सरकार में काम करने का सिद्धांत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हर्बर्ट बेकर्स। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4 फुट। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अरल सागर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घाघरा नदी। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 2 3 1 होगा क्रम से। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संतूर जो है, तंत्रीवाद मतलब जिसमें तात होता है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांच में। द्रव ताप मापी की अपेक्षा गैस ताप मापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पेशवा। शतवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन बी, यहां पर फ्रांस होगा। शिक्षा का विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संभवतीय सूची में। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रिलेंट कांच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है? इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र तो कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से लगी हुई नहीं है। जनता देश की मालिक और नौकरों से सवाल पूछ सकती है, कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अन्ना हजारे का। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही उत्तर जो है
वो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 26 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 7वें वेतनमान को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार न्यूनतम वेतन को 5200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18,000। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।